टुडे आई एम वेयरिंग माई मदर्स जैकेट. जब मैं हुई थी तो मेरे अब्बा ने उनको गिफ्ट किया था. अभी कितने साल हो गए? 23 ईयर्स पहले. पता नहीं मैंने क्यों नहीं. 22 साल तो हुई. अम्मा कब से नहीं पहन रही स्वेटर? करीब 22 साल. इसमें ये 2 रुपए का नोट है. 22 साल से धोया नहीं तो इसको. पहना ही नहीं. ओह माय गॉड, कौन सी ईयर का ये? ये है, इसमें लिखा नहीं है वैसे. चलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाबी हलीमा. Today we're going to discuss the lessons that we can learn from the life of Sana Khan and Halima Aden. Before we move on to the video, make sure you subscribe my channel, like and share. Sana Khan and Halima Aden are just not two people, but they also represent the present state of the Ummah. Like people like Sana Khan, who are born with the name of a Muslim and has nothing to do with Islam. And there are people like Halima Aden, who are practicing the deen, covering, being modest, but also doing something which goes against the Islamic law. अगर मुझे अगर सना खान को एक्सप्लेन करना होगा तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बॉलीवुड से ऐसे निकल कर आई हैं जैसे कि यजीद के लश्कर से हुर रज़ी अल्लाह ताला निकल कर आए थे और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम का लश्कर ज्वाइन किया था. बिल्कुल वैसे ही सना खान ने बॉलीवुड क्विट किया, और सिर्फ उन्होंने क्विट नहीं किया, साथ में उन्होंने उनसे शादी की जो कि हुज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द दीन. और हलीमा एडन की बात कहें तो मैं इतने सारे हलीमा एडन देखती हूँ. नॉट लाइक हलीमा एडन लाइक फैशन, मॉडस्ट फैशन ब्लॉगर्स जो कि खुद मॉडस्ट नहीं होते हैं, और मुझे चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज दे आर मिसगाइडिंग मैनी पीपल. लाइक वेर हिजाब टेल्स यू अबाउट टू यू नो फोकस ऑन वट इज़ इन योर हेड, फोकस अबाउट लाइक योर अखलाक, योर मैनर्स, एंड विच मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर फॉर अ रीज़न एंड यू हैव समवन कॉल्ड रब, यू हैव टू यू नो ओबे हिम. तो ये चीज़ों दोनों ने अपने आप को जो है ना एक जो कि कम्प्लीटली अपोजिट था, जो कि बिल्कुल दीन से दूर था, लेकिन एज अल्लाह सेज़ इन द कुरान दैट ही फाउंड यू लॉस्ट एंड ही गाइडेड यू. एंड अल्लाह सुबहाना ताला हैज़ गाइडेड सना खान एंड ऑल्सो गाइडेड हलीमा एडन. और पता है सबसे ज़्यादा टफ कौन सा मुझे लगता है कि जो मुश्किल होता है वो होता है कि जब आप एक हिजाबी होते हैं और आप लोगों के लिए जो है ना एक मॉडल बन गए हैं. आई नो देर आर पीपल लाइक जो हलीमा एडन को अपना जो है ना रोल मॉडल मानते हैं, जो कि यू नो बीइंग मॉडस्ट फैशन ब्लॉगर, बट सी उनकी भी एक स्टोरी है जो वो जिस मकसद से आई थी उन्होंने वो छोड़ दिया था. उनको रियलाइज़ हुआ लेटर कि वो गलत जाके जा रही हैं. दे बोथ केम बैक ऑन द ट्रैक ऑफ द सिरातुल मुस्तकीम. मे अल्लाह बी प्लीज विद बोथ ऑफ देम एंड अल्लाह गाइड देम एंड अल्लाह गाइड ऑल द पीपल हु आर लॉस्ट एंड मे अल्लाह गाइड देम ऑल. और अल्लाह ऑल्सो सेज इन द कुरान दैट रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू. तो आप सबको, मतलब हम सबको, सिर्फ आप सब नहीं बल्कि हम सबको चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमेशा हिदायत की. जब चाहे आप हिदायत में हों तब भी आपको करना चाहिए क्योंकि अल्लाह आजमाता भी है. और मेरे ख्याल से ये आजमाइश थी हलीमा एडन की जो उनको रियलाइज़ हुई, और अल्लाह बेशक वल्लाह के करीब थी ताकि जिस वजह से उनको जो है ना रियलाइज़ भी हुआ. अदरवाइज़ हो सकता था कि वो बहुत से ऐसी जो लोग हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि जो कम्प्लीटली खो जाते हैं तो फिर खो ही जाते हैं स्टारडम में, वो इतना मशगूल हो जाते हैं. सो अल्लाह मैं रियली अल्लाह कीप ऑन गाइडिंग पीपल हु रियली वॉन्ट टू यू नो make changes in their life. And I really hope कि अल्लाह सना खान जैसे बहुत से लोग उस दलदल से निकालें, और हलीमा एडन जैसे बहुत सी मेरी सिस्टर्स हैं जो कि इस फॉलोअर्स की, इस स्टारडम की जो है ना खोज में हैं, और अल्लाह इन सबको गाइड करें ताकि वो सही मायनों में समझ सकें दैट वो फिर कहना गलत रास्ते में जा रहे हैं.
And if you really like the video, don't forget to share. And till then, take care. Allah Hafiz.